हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक पावर को अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो आज का हमारा लास्ट और फाइनल टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसे अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं, फिर इसमें कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, हम उसे डिराइव करेंगे और फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो हमारा जब आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब कोई भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को थोड़ी ज्यादा देर तक यूज कर लेते हैं तो वो हल्का सा हीट हो जाता है। जैसे आप अगर अभी फोन से पढ़ ही रहे होंगे तो अगर आप एक घंटे या आधा घंटे लगातार पढ़ लेते हैं या दो घंटे लगातार पढ़ लेते हैं तो हल्का सा तो हीट होना शुरू हो जाता है। वो कितना ही दिया हुआ हो कि हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा सा तो हीट तो जरूर हो ही जाता होगा। आप लोगों ने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता होगा? तो इसका जो कारण है कि जब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलाने के लिए, वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम लोग जैसे मान लीजिए ये रफ सरफेस है, अब हम इस पे अपने हाथ को पुश करते हैं तो क्या होता है हमारा इस रफ सरफेस से हमारा हैंड जो है वो फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन के कारण आप लोगों को देखेंगे कसकस जब आप एकदम फुल स्पीड में तेजी से कीजिएगा तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस जरूर होगी। तो वो हमारा मैकेनिकल में आता है, वो इससे रिलेट करता है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अपने हैंड को इस पे रख किए, अब यहाँ ये ज्यादा रफ सरफेस है, अब इस रफ सरफेस को पार करने के लिए यहाँ जो ऑब्स्टेकल्स है जिसे मुझे पार करना है तो इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो कहाँ यूज होगा, तो वो हीटिंग एनर्जी में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाई रेजिस्टेंस वायर से या हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर से पास करता है तो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है। अब वो कन्वर्ट कर लेता है तो एक हाई रेजिस्टेंस वायर का हम लोग या नाम ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारा एक हाई रेजिस्टेंस वायर है नाइक्रोम, तो इसमें इसका जैसे कि जब इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा पास करता है तो जब पास करने के बाद हमारा क्या होता है ये जो है कुछ एनर्जी टोटली वो चेंज नहीं कर पाता है। आप लोगों ने वो स्टेटमेंट जरूर पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉट नाइदर बी क्रिएटेड, यानी हम लोग एनर्जी को ना तो कहीं भी कभी भी खत्म ही कर सकते हैं ना तो कहीं कभी भी हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं, क्योंकि हमारा एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफर होते जाता है और थोड़ा थोड़ा इसमें जिसमें ट्रांसफर हुआ थोड़ा यूज हो गया फिर इसमें, तो वैसे यूज होते होते वो ना क्रिएट होता है और ना ही यूज क्या बोलता है हमारा डिस्ट्रॉय होता है। तो यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट है। जब हमारा एक हाई रेजिस्टेंस वायर या कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने उस एनर्जी को जब हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता तो उसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। जैसे आप लोग घर में आयरन यूज करते होंगे कपड़े प्रेस करने के लिए, तो वो क्या है वो एक एग्जांपल है उसका कि जब हम उस प्लग में लगाते हैं तो वो क्या करता है अपने अंदर हीटिंग एनर्जी लेता है, लेकिन वो उसके अंदर कुछ ऐसे हाई रेजिस्टेंस वाले वायर या मेटल लगे हुए कंडक्टर लगे हुए रहते हैं जिसके कारण क्या होता है कि उसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका कुछ फॉर्मूला है जिसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला देखा था वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग इसे किस तरह डब्ल्यू इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो यहाँ कुछ नहीं है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्यू इंटू वी। तो ये हमारा पहला हो गया। अब इसे हम लोग सर्व ग्रुप मान के चलेंगे यानी हम लोग इस पर ही सब कुछ पुट करेंगे जितना अभी हम दो और निकालेंगे। तो हमारा करंट का एक फॉर्मूला क्या था आई इज इक्वल टू क्वांटिटी बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज बाय टाइम टेकन।
तो हम यहाँ क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा निकल गया। अब हमारा तीसरा निकलता है बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एक और फॉर्मूला आर बाय आई। तो हमारा आर इज इक्वल सॉरी आर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बी बाय आई। तो हमारा बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू आई। ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम लोग इसे किस पे पुट करेंगे, मैंने आपको बोला था यही हमारा सर गुरु है, हम लोग इसी पर ही सबको पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। W इज इक्वल टू क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे निकाल लिया है, कहाँ से आया कैसे आया हम लोगों ने समझ लिया। तो आई इंटू टी हमारा हो गया। अब हम लोग भी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग आर इंटू आई पुट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ क्या फॉर्मूला बना, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, हीटिंग इफेक्ट का। तो हम लोग वर्क डन, हीट किसके कारण होता है वर्क डन, तो हम लोग इसे एच भी लिख सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टा सॉरी आर इंटू टी। तो अगर आप लोगों को कोई करेंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और टाइम दिया हुआ हो, तो आराम से उस एप्लीकेशन का हीटिंग इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।